नोएडा सेक्टर 18 का फुट ओवर ब्रिज है, जब आप फिल्म सिटी से सेक्टर 18 के लिए जाएंगे तो आप यहाँ से जा सकते हैं, ये फुट ओवर ब्रिज है। मगर यहाँ की स्थिति मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, जूम करके कैमरामैन को कहूँगा ज़रा जूम करिए, और वहाँ का जो हालत है, जो जर्जर स्थिति इस फुट ओवर ब्रिज की बनी हुई है, कोई भरोसा नहीं कि वो कब लटकता हुआ छज्जा गिर करके किस गाड़ी पर गिर जाए, किस मोटरसाइकिल वाले पर गिर जाए, और कब दुर्घटना की स्थिति पैदा हो जाए, किसका एक्सीडेंट हो जाए, कोई पता नहीं। नोएडा अथॉरिटी ने, जिसके हाथों में ये जिम्मा थमाया हुआ है, जिस कॉन्ट्रैक्टर के हाथों में इस फुट ओवर ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि चिनार इम्पैक्ट्स के हाथों में है, मगर ये जर्जर स्थिति उनको नज़र नहीं आती। हालत यहाँ की वाकई में ख़राब है, आपको मैं दिखाना चाह रहा था। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे कि क्या यहाँ की जो क्लीनिंगनेस है फुट ओवर ब्रिज का, यहाँ की जो वॉल आर्ट्स है और साफ़ सफाई है, चाहे टॉयलेट हो चाहे पिंक टॉयलेट हो, क्या वाकई में है या फिर नहीं है। लोगों के रिव्यूज़ भी आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव चंद कदमों की दूरी पर हैं, इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल से लेकर के नोएडा अथॉरिटी के कार्यालय तक सभी के सभी सतर्क हो गए हैं। नोएडा अथॉरिटी ने हालिया में एक प्रेस रिलीज जाहिर की है, जिसको लेकर के उन्होंने साफ सीधा ये कहा है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपने एरिया के फुट ओवर ब्रिजेस, आसपास के साफ़ सफाई, टॉयलेट की वॉल आर्ट, सौंदर्यकरण, जितनी भी चीज़ें हैं उसको 7 नवंबर 2021 तक पूर्ण रूप से सही कर लें, सुरक्षित और सुंदर कर लें। मगर आपको उससे पहले हम स्थिति दिखाना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है चुनाव करीब आया है तब ये चीज़ें याद आई हैं नोएडा अथॉरिटी को। अब कहते हैं कि ये फुट ओवर ब्रिज में एक्सकेलेटर, ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा, चलती हुई होनी चाहिए, जो कि वाकई में चल रही है, सुरक्षित है। साथ में एक लिफ्ट भी होता है, जो एक्सकेलेटर से नहीं आना चाहते वो लिफ्ट से आ सकते हैं, मगर लिफ्ट की स्थिति देखिए, लिफ्ट का खांचा तैयार है मगर लिफ्ट यहाँ पर आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी। इसको घेरा हुआ है, ये अच्छी बात है, मगर यहाँ लिफ्ट के नाम पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। गंदगी यहाँ पर साफ देख सकते हैं आप, सफाई का कोई यहाँ पर ज़्यादा पुख्ता इंतज़ाम नहीं है। हालांकि फुट ओवर ब्रिज आप जब बीच में देखेंगे तो यहाँ पर साफ़ सफाई हमको काफ़ी देखने को मिल जाती है। आगे की स्थिति भी आपको दिखाएंगे, चलिए मेरे साथ। अब देखिए, जब आप फिल्म सिटी से सेक्टर 18 की ओर जाएंगे तब आप उस फुट ओवर ब्रिज वहाँ से चढ़ सकते हैं, जहाँ से एक्सकेलेटर चल रही है। मगर जब आप सेक्टर 18 से फिल्म सिटी के लिए जाएंगे तो आपको मैं स्थिति दिखाना चाहूँगा, यहाँ का जो एक्सकेलेटर है वो बंद पड़ा हुआ है, ना तो ऊपर चढ़ने वाला शुरू है और ना ही नीचे जाने वाला, ये दोनों ही बंद पड़े हुए हैं। ना जाने कब से बंद पड़े हुए हैं, कोई ध्यान देता है या नहीं देता है कुछ पता नहीं, मगर मैं आपको बता दूं यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चिनार इम्पैक्ट्स कॉन्ट्रैक्टर है, उनको दिया गया है। चिनार इम्पैक्ट्स अब कितना काम कर रहा है, कितनी साफ़ सफाई यहाँ देख रहा है, हालांकि हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं एक्सकेलेटर कोई भी चल नहीं रहे हैं। नोएडा में आपको साफ़ सफाई नज़र आती है, जितने भी ये टॉयलेट्स हैं चाहे एक्सकेलेटर हैं नहीं चल रही है, क्या लगता है? टॉयलेट्स के लिए तो साफ़ सफाई नज़र आती है, बट ये एक्सकेलेटर तो कई साल से ख़राब है। अच्छा, कई साल से खराब? हाँ, लगभग 2 साल हो गए, लास्ट लॉकडाउन से पहले से खराब है। अच्छा, ठीक है। देखिए, अथॉरिटी ने ये कह दिया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं यहाँ का, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चिनार इम्पैक्ट्स के हाथों में है, जितने भी टॉयलेट्स हैं वो चिनार इम्पैक्ट्स देखता है, उसकी क्लीनिंगनेस, वॉल आर्ट्स हैं जो भी, और यहाँ का जो फुट ओवर ब्रिज का साफ सफाई है, एक्सकेलेटर हो चाहे लिफ्ट हो, उन सारी सुविधाओं को चिनार इम्पैक्ट्स ही देखता है। मगर स्थिति आपको मैंने दिखाई, कुछ भाई लोग से भाई साहब एक चीज़ जानना चाहेंगे, नोएडा में आपको क्लीनिंगनेस दिखाई देती है? नहीं, नोएडा में क्लीनलीनेस तो है पर स्पेसिफिक जगहों पर, जैसे अट्टा में अच्छी खासी सफाई है हर जगह। यहीं से मुझे ये जानना है, आप नीचे से जाते होंगे तो टॉयलेट्स यूज़ करते होंगे, जितने भी टॉयलेट्स हैं यहाँ के, पिंक टॉयलेट हो चाहे वो तो फीमेल्स का होता है या मेल्स का जो भी हो, तो उनमें क्लीनिंगनेस देखने को मिलती है? नहीं, हाँ हाँ हाँ, वो हम लोगों ने यूज़ करे हुए हैं, जो बॉयज़ के रहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बहुत साफ़ सफाई होती है वहाँ पर। अच्छा, फुट ओवर ब्रिज से आप आते जाते रेगुलर यूज़ करते हैं, यहाँ तो एक्सीलेटर ख़राब है?
रेगुलर नहीं आते हम, मैं मतलब काफ़ी टाइम बाद आया हूँ तो इसका मेरे को आइडिया नहीं है। आपका नाम क्या है? विकास। विकास, आप यहाँ से रोज़ आते जाते हैं? हाँ लगभग। अच्छा, आप कई बार नीचे से भी आते जाते होंगे, क्या ये टॉयलेट्स जो भी बने हुए हैं इनमें क्लीनिंगनेस नज़र आती है? हाँ लगभग ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि ठीक, मतलब साफ़ है, क्लीन है, ऐसा कुछ है। ओवर ब्रिज से जाते हैं यहाँ से तो आप चढ़ गए एक्सकलेटर से, वहाँ की एक्सकलेटर बंद पड़ी हुई है, उसके बारे में? बंद तो ये भी था, ये अभी कुछ शायद अभी स्टार्ट हुआ है, वरना ये बंद रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। पिंक टॉयलेट्स क्लीन रहते हैं? हाँ वो क्लीन रहते हैं। प्रकाश, यहाँ ड्यूटी करते हो आप? हाँ। कब से ड्यूटी करते हो, कब से लगती है आपकी ड्यूटी? सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक। शाम के 8 बजे तक। अच्छा, यहाँ साफ़ सफाई का कौन देखता है जिम्मा? साफ़ सफाई हम ही करते हैं। आप ही करते हो, कब होती है साफ सफाई? सुबह होती है, दोपहर में। आज सुबह हुई? हाँ। यहाँ तो हालत देख रहे हैं, तो साफ़ सफाई नज़र तो आ नहीं रही है कहीं, क्या बात? अच्छा, ये लिफ्ट का खांचा कब से बना हुआ है तैयार है? ये लिफ्ट का बहुत दिन हो गए इसे तो। ये लिफ्ट बनी नहीं है, यहाँ इंस्टॉल नहीं की, लग गए ना इसीलिए। वो वाला एक्सकेलेटर तो नहीं चल रहा? वो उसकी कंप्लेन डाली, अब देखो सही होएगा। एक वो कह रहे हैं साल हो गए नहीं चले, पता नहीं। चलिए, ये विकास है, इनकी ड्यूटी लगती है सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक, इन्होंने बताया यहाँ काम करते हैं। मगर ग्राउंड पे जो स्थिति हमको देखने को मिल रही है, साफ़ सफाई क्लीनिंगनेस वो उतनी नहीं है। जिनके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट है वो ध्यान नहीं दे रहे, या क्या चक्कर है वो आगे पता चलेगा। मैंने आपको जो स्थिति थी यहाँ की जो, वो मैंने आपको दिखा दी। उस साइड का एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा, लिफ्ट यहाँ पर चल नहीं रही है, गंदगी मैंने आपको दिखाई दी।